हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। अक्सर हमारे घरों में रात में रोटियां बनती हैं और वह बच जाती हैं और नेक्स्ट डे इसे हमें खाने का बिल्कुल भी दिल नहीं करता, तो इनका हम क्या करें, इसे वेस्ट कर दें? नहीं। तो आज मैं इन्हीं बची हुई रोटियों के साथ एक नई तरह की रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ, जो बहुत ही आसान है और बहुत ज़्यादा टेस्टी है। इसे खाने के बाद कोई ये भी नहीं बता पाएगा कि ये बची हुई रोटियों से बनी हुई है। तो अगर अपने चैनल पर नए हैं, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, वह बिल्कुल फ्री है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ एक बाउल में मैंने ले लिया है उबले हुए आलू, जिसको पहले से मैंने मैश कर लिया था। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया, हरी मिर्च और बारीक कटे हुए प्याज। इन सारी चीज़ों को हम इसमें ऐड कर देंगे। अब इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आधी छोटी चम्मच काली मिर्च का पाउडर, आधी छोटी चम्मच चाट मसाला, आधी छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर और नमक हम टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लेंगे। अब इसमें हम खटास के लिए डालेंगे आधा नींबू का रस, इसे अच्छे से निचोड़ लेते हैं। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब अच्छे से ये मिक्स हो जाए, ये देखिए सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अभी इन्हें साइड में रख देंगे और रोटियाँ जो बची हुई थी उसे हम लेंगे और इन रोटियों के ऊपर आएंगे। हमने आलू का जो मिक्सर तैयार किया हुआ था इसे ऊपर अच्छे से हम फैला लेंगे चारों तरफ से। इसे अच्छे से कवर करना है हमें, तो अच्छे से चारों तरफ से इसे फैला लीजिए। ये मैंने आलू को अच्छे से लगा लिया है रोटी के ऊपर। अब इस तरह से हमें चाकू की हेल्प से इसे अच्छे से काट लेना है ट्राइंगल शेप में। देखिए किस तरह से मैं कट कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये कट के बिल्कुल रेडी हो चुके हैं इस तरह के शेप में। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो एक बाउल में हम लेंगे आधा कप बेसन, उसमें डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर आधी छोटी चम्मच, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधी छोटी चम्मच कलौंजी और हम थोड़े से लेंगे इसमें अजवाइन, जिसे हाथ से अच्छे से क्रश करके डालेंगे, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और नमक हम डालेंगे स्वाद के हिसाब से आधी छोटी चम्मच। हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम इसे डालेंगे हरा धनिया थोड़ा सा और थोड़ी सी हरी मिर्च बारीक कटे हुए, इन सब्जी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे हम थोड़े थोड़े पानी डाल के इसका एक बैटर हम तैयार कर लेंगे। तो इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा पतली नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं होनी चाहिए। तो इसे हम अच्छे से मिक्स करके इसके एक अच्छे से बैटर तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए बैटर की कंसिस्टेंसी ये दिख रही है, ना बहुत ज़्यादा पतली है ना बहुत ज़्यादा गाढ़ी है। अब इसके बाद इसमें हम डालेंगे एक पिंच खाने का सोडा, जिसे मीठा सोडा कहते हैं। इसे डालने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे और नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो अब इन्हें हम फ्राई कर लेंगे। तो एक एक पीस हम लेंगे और बैटर में इस तरह से डिप करते हुए तेल में हम इसे डाल देंगे। एक एक करके ऐसे अच्छे से चारों तरफ से अच्छे से कोट करना है बेसन से, जिससे ये बहुत अच्छे से कवर हो जाए। एक एक करके हम डाल देंगे। डालने के बाद दोनों साइड से इसे उलट पलट करके अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तब तक ये थोड़ा सा सुनहरा ना हो जाए तब तक इन्हें हमें फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। तो इन्हें हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में। तो ये सारे रेडी हो चुके हैं, अब चलिए इन्हें हम सर्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कितने अच्छे लग रहे हैं और खाने में भी उतने ही ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। तो ये बता ही नहीं पाएगा कि ये रोटियों से बनी हुई हैं। तो इस रेसिपी को ज़रूर आप लोगों को ट्राई कीजिए, आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो अगर आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।